श्राद्ध पक्षों में जब ब्राह्मण गाय या देवती को भोजन कराया जाता है तो कुशा और तिल से वह पवित्र हो जाता है और उसके सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। वहीं पितरों का श्राद्ध करने के दौरान कुछ चीजों का उपयोग करना वर्जित बताया गया है। यदि पितरों के श्राद्ध में शास्त्रों में बताई गई इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए तो पितर नाराज हो जाते हैं। हरिद्वार के विद्वान धर्माचार्य पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी बताते हैं कि शास्त्रों में पितरों का श्राद्ध करने के दौरान कुछ वस्तुओं का वर्जित होता है। पितरों का श्राद्ध करने से पूर्व दान करने से दोष लगता है, तो वहीं पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण गाय या देवती को लोहे के बर्तन में भोजन नहीं कराना चाहिए। और क्या कहते हैं हरिद्वार के धर्माचार्य पंडित मनोज कुमार त्रिपाठी, सुनिए। बहुत सारी चीजें हैं, काले तिल के अतिरिक्त कुशा भी चाहिए होती है, क्योंकि कुशा भगवान के बाल कहे गए और तिल भी जो है भगवान के पसीने से बने हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि जिस काले तिल और कुशा के साथ में जिस भोजन को आप पितरों के निमित्त देंगे वो पितरों को स्वीकार हो जाता है। पितृ पक्ष में वर्जना किन बातों के, क्योंकि ये समय बताया गया कि हम अपने पितरों के निमित्त ध्यान रखें, मात्र इतनी बात है। लोहे की वस्तु, उसमें ब्राह्मण को, गाय को या देवते को भोजन नहीं कराना। बर्तन तो बताया गया चांदी का, पितरों को चांदी प्रिय है, लेकिन वो ना हो तो पत्ते के ऊपर रखें, और ढाक का पत्ता इसमें सबसे सुंदर बताया गया है। इसके अलावा वर्जना में यह है कि उस समय पर व्यक्ति को श्राद्ध से पूर्वक दान नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मण को भी देख के खिलाने का विधान है, वो शराबी ना हो, वो अंग भंग ना हो, वो किसी और के यहाँ भोजन ना करके आए हो, पूजा पाठी हो, शिखा धारण रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। साथ में विशेष तौर पे ध्यान रखें कि इस पक्ष में स्त्री प्रसंग जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन बिल्कुल ना करें। साथ में किसी और के यहाँ का अन्न लेके या किसी और के यहाँ का भोजन करके अपने यहाँ भोजन ना कराएं। इस प्रकार की बहुत सारी चीजों का वर्जना रखी गई है। परंतु नए वस्त्र खरीदना या नया वाहन खरीदना, शुभ काम करना, ये वर्जना इसलिए है क्योंकि अभी आपको पितरों के निमित्त करना है। पितृ कार्य समाप्त होने के पश्चात नवरात्र आता है, तब ये शुभ काम करें।